तो शोभिता, की हाँ चीज की डिस्कशन चल रही है आज, लग रहा है सारे के सारे बैठे हुए हैं साथ। ये भाई तो आपके इतने सारे मेडल, ओ माय गॉड। तो किस चीज की डिस्कशन चल रही है आज? डिस्कशन गाड़ी की नहीं चल रही है, मेडल दिखा रहा है। हाँ, अरे नहीं, सबका वो रोना चाहिए ना। गाड़ी हम नहीं, लेने आज वाले अभी हैं। हम नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। वैसे तो हम 1-2 महीने से गाड़ियां बहुत हमने देखी हैं। मैंने तो इतनी गाड़ियां देखी हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अभी कौन कौन सी देख कर आ गए? फाइनली पंच। अब कल हम गाड़ी देखने गए थे, कल अच्छा, स्पेशली ये तो स्पेशली हम रिसर्च हम इस यहाँ वजह पे से आए स्पेशली हैं। मैं आया हूँ गाड़ी फाइनल करने के लिए। अच्छा, और फिर कल हम गए थे, गाड़ी हमने देखी, वेन्यू अभी हुंडई की देख वेन्यू, किया की सोनेट, और वैसे तो टाटा की टैगोर लेनी थी, बट डैड जी हमारे ये कह डैड रहे जी कि भी है गाड़ी हमारे ऐसी यहाँ होनी पे। चाहिए तो जो डैड जी हमारे कहते हैं गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो दूल्हे तुम्हारे को को क्या चाहिए। लगता है कौन सी वाली बढ़िया सोनेट है? आप तो वेन्यू भी बहुत सारी कार देख कर आ गए, क्या डिफरेंस लगता जो है? एक्चुअली बजट है 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख के बीच में सुमित किया सोनेट जी बोलिए, वेन्यू, ये टाटा दोनों पंच ही। का भी आप टाटा पंच का भी ऑप्शन है, अगर ऐसा भी हो सकता है 9 लाख तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब बट हमें बेसिक फैसिलिटीज के साथ ये कम गाड़ियां बढ़िया मिल जाएंगी। रेंज में अगर अच्छी फैसिलिटीज मिल कंपैरिजन जाएगी। करें हुंडई वेन्यू और किया सोनेट, तो उनमें उन दोनों के फीचर्स के कंपैरिजन में किया सोनेट ज्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि उसमें वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे उसका पैक एज कम्पेयर टू हुंडई वेन्यू। ये तो बॉयज के हिसाब से, गर्ल्स के हिसाब से भी सोच लो कि हमें गर्ल्स को क्या चाहिए होता है गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं चाहिए, फीचर्स फीचर्स जैसे एंड लुक्स। हाँ, ये हमारी भाभी हैं और ये मेरा बड़ा भाई है। मेरी वाइफ है, ये मुझे कहती है कि गाड़ी मैंने लेनी है तो उसमें मुझे क्या चाहिए, तो ये मुझे कहती है मुझे वैनिटी मिरर चाहिए। जो कि मेरे को लगता है हर एक लेडीज की जरूरत डिमांड होती है, डिमांड है। हाँ। मुझे तो इंटीरियर ऐसा चाहिए जैसे पता नहीं ब्यूटी पार्लर जा रही हो। हाँ, सही बात है, लड़कियों का भी बाकी प्रोस्पेक्टिव देखना वैसे पड़ेगा। आज हम जाएंगे, आज हमने फाइनल कर ही लेनी है गाड़ी कौन सी भी जो भी है। डैडी जी जाएंगे, मम्मी जाएंगे, सूफी भाई आज सब दोनों देखेंगे, जाएंगे। उसी हिसाब से फाइनल डिसीजन आज होगा। आज हमने कोटेशन लेके आनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, पेमेंट जेब में डाल के लेके जाएंगे और फिर दिवाली तक जुमरी लेंगे। देखो अब गाइस कौन सी गाड़ी हम पसंद करते हैं। तो गाइज मेरे को तो यही लग रहा है इनकी बातों से कि आज गाड़ी, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि आज अगर इन्हें आज गाड़ी मिल जाए तो ये आज ही लेकर आ जाएंगे। नहीं, आज मिल नहीं सकती क्योंकि हमने करना है कार लोन, व्हीकल लोन, तो व्हीकल लोन में थोड़ा टाइम प्रोसेस लगता में है। थोड़ा टाइम हाँ, ये लगेगा। थोड़े बैंक वाले हैं ना, तो लोन से बहुत थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है टैक्स में, तो लोन मस्ट है। हाँ, इनको वैसे भी पूरी नॉलेज है, बैंक में तो है ही नॉलेज, तो है ही कितना कितना परसेंट है क्या है। तो दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। लोन का मतलब ये नहीं कि नीचे दब जाओ, तो बेटा यूटिलाइजेशन। शोभिता जी, आप भी जाओगे साथ? हाँ जी, जा, आपको गाड़ी के ऊपर बैठा के लेके जाएंगे। गाड़ी के ऊपर बैठाएंगे तो गाड़ी दब जाएगी। गाड़ी के अंदर बैठाएंगे। हाँ, डैडी का भी व्यू ले लो। ये हमारे फादर साहब हैं, बता दो जी, जिन्होंने टाटा टैगा होगा एक छोटी सी बच्ची का। डैडी का कौन सा मूड बन रहा है पूछ लो, बता दो अपना व्यू। ये अभी काम में बिजी है लग रहा। बताओ बताओ, बता तो दो। ये अभी कुछ ना कहते हो, अभी बहुत कुछ कहेंगे। अबे डैडी जी तैयार हो गए हैं, इस टाइम शो में बस सीधे हाजिरी लगानी है हमें। बता दो कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है। मेरी बात हो गई किया वालों से। डिस्काउंट मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, इंश्योरेंस में लगता है फ्री हो गया। पूछ लो डैडी का व्यू, कौन सी गाड़ी लेना है। डैडी कुछ तो बता दो, कौन सा प्लान चल रहा है। ये ले लो, इम्पोर्टेड है। डैडी तो कह रहे आके ही दिखाएंगे हम सीधा। मेरे को लग रहा है डैडी सीधा बम फोड़ेंगे, आके ही बताएंगे। चलो ठीक है फिर, चलो लेट्स गो, बताएंगे आपको, अपडेट करेंगे। वी विल अपडेट इट। बाय। ये तो जैसे